बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घट रहा है उन क्षेत्रों में किसी तरह की बीमारी ना फैलने पाए, जिसको देखते हुए सभी एडीओ पंचायत और सचिव को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और साफ सफाई की व्यवस्था का अनुपालन करवाया जाए। उन्होंने कहा, रविवार से जेई सचिव, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीडियो एडीओ की वर्कशॉप किया जाएगा तथा नए प्रधानों को पंचायती राज की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को पशुपालन विभाग लगातार टीकाकरण कर रहा है, जिससे पशुओं में किसी तरह की बीमारी ना फैलने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, बाढ़ के बाद जो भी अभी पानी का स्तर जहाँ जहाँ गाँव में कम हो रहा है, ताकि उसके बाद मच्छर या कोई और बीमारी इससे रिलेटेड ना फैले, तो सारे ईडीओ पंचायत को और हमारे जितने भी सचिव हैं उनको बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और सफाई के कार्य सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लेते हुए किए जाएँ। इसके लिए डीएम सर द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको आज घोषित किया जाएगा सेकेंड हाफ में, और 3 वर्कशॉप कल से पूरे जितने हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें जेई सचिव और टीए और रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर्स और वीडियोस एडीओस सबके की वर्कशॉप कल पूरा दिन है। फिर प्रधानों की 2 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें ये सारी बातों के अलावा सारे नए प्रधानों को जो हमारे पंचायती राज की कार्यप्रणाली है, कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, इन सब के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। बहुत डिटेल जानवरों पे बचा के रखा है, जो पशुपालन विभाग है उसमें लगातार टीकाकरण कर रहा है, जहाँ जहाँ भूसे की कमी है वहाँ पहुँचाया गया है, और जो उनका रेगुलर चेकअप भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी ना फैले।